एक बार फिर देश और दुनिया के अंदर कोरोना वायरस आक्रमित हो रहा है। लेकिन हाल ही में कोरोना के बढ़ते हुए मामले देखते हुए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अकेले दिल्ली में 24 घंटों के अंदर 117 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं पूरे देश की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों के अंदर 1249 केस सामने आए, जिसके बाद से एक्टिव केस बढ़कर 7927 हो गए। देश की राजधानी दिल्ली में करीब 5 महीनों में 100 से पार केस मिले हैं। इससे पहले 29 अक्टूबर 2022 को 100 मामले सामने आए थे। फिलहाल अभी अकेले दिल्ली के अंदर एक्टिव केसों की संख्या 346 हो गई है, जिसमें अभी 17 अस्पताल में हैं, जबकि बाकियों को घरों में ही आइसोलेट किया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही दिल्ली के अंदर 362 टेस्ट किए गए थे। इनमें 49.5 पॉजिटिविटी रेट के साथ 117 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद दिल्ली नगर निगम ने इन्फ्लुएंजा और कोरोना के केसों में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों को बुखार के मरीजों की जांच सुनिश्चित करने और आवश्यक दवाओं को पर्याप्त स्टॉक में रखने के लिए सलाह दी है। एमसीडी की ओर से अस्पतालों को वेंटिलेटर और अन्य उपकरण ठीक काम करें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एमसीडी ने अस्पताल में कर्मचारियों और मरीजों के फेस मास्क पहनने, सामाजिक दूरी, साबुन से हाथ धोने और परिसर में उचित सफाई रखने के लिए कहा है। इसके साथ ही अधिकारियों ने मरीजों को वैक्सीन बूस्टर डोज को बढ़ावा देने और कोरोना को रोकने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए उचित सावधानी बरतने के लिए कहा है।